हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इक्विलिब्रियम यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें प्रॉब्लम्स ऑन स्पीयर एंड सिलेंडर ये टॉपिक का फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके फोर प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में नंबर ऑफ अदर टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रॉब्लम्स ऑन स्पीयर एंड सिलेंडर ये टॉपिक का फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा टू स्पीयर्स ईच ऑफ वेट 1000 न्यूटन एंड ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ विड्थ 90 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी एंड सी। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है वो आपके सामने है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन जो है वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि टू स्पीयर्स ऑफ वेट 1000 न्यूटन। देखिए यहाँ पे दो स्पीयर है और दोनों का वेट जो है वो 1000 न्यूटन है एंड रेडियस 25 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आइडेंटिकल स्पीयर है, क्योंकि दोनों का वेट और दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए ये दोनों आइडेंटिकल है। क्वेश्चन में आगे लिखा है रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल चैनल, तो ये हॉरिजॉन्टल चैनल में रखा है और इसका विड्थ दिया है 90 सेंटीमीटर। इट मींस एक सिलेंड्रिकल पॉट है। ये देखिए, ये एक सिलेंड्रिकल पॉट है, सिलेंड्रिकल पॉट के अंदर ये दोनों स्पीयर रखे हैं और उसका विड्थ दिया है 90 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी एंड सी। तो यहाँ पे ए बी और सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितना रिएक्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो दोनों स्पीयर का हम वन बाय वन एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी कंप्लीट होने के बाद ही हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। ये जो नीचे का स्पीयर है, ये स्पीयर को हम कहेंगे स्पीयर वन। तो देखिए, ये स्पीयर को हमने स्पीयर वन कहा, तो ये स्पीयर वन का हम एफबीडी पहले बनाएंगे। देन ये स्पीयर को हम कहेंगे स्पीयर टू, और दोनों स्पीयर का एफबीडी बना के हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे और ए बी सी तीनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्पीयर वन का एफबीडी, तो हम यहां लिखेंगे एफबीडी ऑफ स्पीयर वन। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट जो स्पीयर है स्पीयर वन, ये जो स्पीयर है ये स्पीयर हमने यहां बना लिए। एफबीडी में सबसे पहले शो करना है स्पीयर का वेट। कोई भी एफबीडी ड्रॉ करते समय आपको वेट शो करना होता है, और वेट शो करने का रूल है वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम वेट शो करेंगे, मस्ट बी सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट कितना है, वेट है 1000 न्यूटन, तो हम शो करेंगे 1000 न्यूटन का वेट एग्जैक्टली, दैट इज सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट शो करने के बाद क्या करना है, तो वेट शो करने के बाद हमें सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कॉन्टैक्ट रिएक्शन बोलो, चेक करो कि स्पीयर वन का कॉन्टैक्ट कहां कहां पे है। जहां जहां पे कॉन्टैक्ट है वहां वहां पे कॉन्टैक्ट रिएक्शन शो करो। तो ये देखिए, यहां पे है स्पीयर का ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहां पे है स्पीयर का बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहां पे है स्पीयर का डी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जहां जहां पे कॉन्टैक्ट है वहां वहां पे कॉन्टैक्ट रिएक्शन शो करो। तो चलो हम शो करेंगे, और सरफेस के तरफ से जब भी आप रिएक्शन शो करेंगे तो सरफेस रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो करना है। ये देखिए, यहां पे जो स्पीयर है ये वर्टिकल वॉल के साथ यहां पे कॉन्टैक्ट में है, यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है, तो यहां पे वॉल की तरफ से हम शो करेंगे वॉल रिएक्शन। ये देखिए, यहां पे ऐसा वॉल है, ऐसा वर्टिकल वॉल है, और यहां नीचे जो है यहां पे हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। ये देखिए ऐसा, यहां पे ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहां पे बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हमें क्या करना है, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे शो करना है रिएक्शन आर ए, तो ये हम शो करेंगे रिएक्शन आर ए, और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हम शो करेंगे रिएक्शन आर बी। और रिएक्शन शो करते समय रूल्स के हिसाब से रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ सपोर्ट होना। तो ये देखिए, ये हमने शो करे यहां पे बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिएक्शन आर बी, और यहां पे ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हम शो करेंगे दैट इज रिएक्शन आर ए। तो यहां पे हमने शो किए आर ए और ये आर बी। ये जो आर ए है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द वॉल है। ये देखिए, हम यहां पे शो करेंगे ये बी पॉइंट पे आर बी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, और ए पॉइंट पे आर ए परपेंडिकुलर टू द वॉल। तो इस तरह से हमने दो रिएक्शन शो किए, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमने दो रिएक्शन यहां पे शो किए, लेकिन एक और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये देखिए, स्पीयर वन और स्पीयर टू का यहां पे कॉन्टैक्ट है, और यहां पे
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी है तो हमें वो डी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिएक्शन शो करना पड़ेगा। रिएक्शन जो है स्पीयर में हमेशा सेंटर टू सेंटर शो करना होता है। अभी आप स्पीयर वन का एफबीडी बना रहे तो स्पीयर वन के एफबीडी के ऊपर, ये देखिए स्पीयर वन के ऊपर स्पीयर टू का रिएक्शन आपको शो करना है, और स्पीयर टू का रिएक्शन अगर आपको स्पीयर वन पे शो करना है तो रिएक्शन हमेशा स्पीयर में सेंटर टू सेंटर शो करना होता है। तो इसका अर्थ यह है कि ये देखिए ये रिएक्शन आपको सेंटर टू सेंटर शो करना है ऐसा, ये देखिए ये रिएक्शन ऐसा सेंटर टू सेंटर ऐसा एक्ट होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर टू टू द सेंटर ऑफ स्पीयर वन, तो वो रिएक्शन हमें यहां पे शो करना है। तो चलो हम यहां पे शो करेंगे रिएक्शन एग्जैक्टली दैट इज सेंटर टू सेंटर। तो ये देखिए ये रिएक्शन हमने शो किए फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर टू टू द सेंटर ऑफ स्पीयर वन, और ये रिएक्शन का नाम हम क्या देंगे, इसका नाम हम देंगे रिएक्शन आरडी। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन का डायरेक्शन देखो ऐसा हमने इनवर्ट दिए, इट मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्पीयर वन। तो ये हमने फिलहाल एफबीडी में इतनी रिएक्शन शो किए हैं। कोई भी एफबीडी में सबसे पहले वेट शो करना होता है तो सबसे पहले हमने वेट शो करे सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन शो करना है इट मीन्स कॉन्टैक्ट रिएक्शन शो करना है। तो ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमने शो किए आर ए, बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमने यहाँ पे शो किए आर बी, और यहाँ पे डी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमने यहाँ पे शो किए आर डी। और अब ये एफबीडी चेक करो कि कंप्लीट है या नहीं, तो अभी ये फिलहाल एफबीडी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, इनकम्प्लीट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स को अब हमें रिजॉल्व करना है। यहाँ पे कितने इंक्लाइंड फोर्सेस है हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही इंक्लाइंड फोर्स है जो कि आरडी है। ये देखिए ये आरडी इंक्लाइंड फोर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आरडी इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। आरडी इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना है इट मीन्स उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लाइंड फोर्स का रिजोल्यूशन हमें करना होता है, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए हमें इंक्लाइंड फोर्सेस को यहाँ पे दो दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, उसको रिजॉल्व करना है होता है। तो ये देखिए ये आरडी इंक्लाइंड है, तो वो कितना डिग्री से इंक्लाइंड है हमें नहीं पता, तो हमें आरडी का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एंगल का यूज करके हमें ये आरडी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एंगल अभी तो नहीं पता, तो एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए यहां आना पड़ेगा। तो चलो यहां पे हम आरडी का एंगल फाइंड आउट करेंगे। आरडी क्या है, आरडी इज द रिएक्शन बिटवीन स्पीयर वन एंड टू, ये स्पीयर वन और टू के बीच में की रिएक्शन है, और इसका एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें ये मेन डायग्राम में कुछ ज्योमेट्री क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे कि ये एंगल कैसे मिलता है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर है यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो सेंटर है यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द बेस, और यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल जो है वो यहां पे आपको दिखाई देगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो है वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और ये देखिए ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दैट इज साइन बोलो या कॉस या टेन, तो इसका यूज हमें करना पड़ेगा। बस ये ट्रायंगल का यूज करके आपको एंगल फाइंड आउट करना है, हमें ये एंगल चाहिए आरडी को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये एंगल देखिए यहाँ पे है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अगर हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ये ट्रायंगल की कोई भी दो साइड फाइंड आउट करो। अगर हम कोई भी दो साइड फाइंड आउट कर लेते हैं तो आसानी से हमें एंगल मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने वही ट्रायंगल जो है वो नीचे बना लिया है, क्योंकि हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती है, तो थ्री साइड्स में ये जो साइड है ये देखिए हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, इसको कहो थीटा। तो अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए सामने वाली साइड अपोजिट साइड, तो ये है अपोजिट साइड, ये है एडजेसेंट साइड, ठीक है, और ये है हाइपोटेनियस साइड। तो ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती है, तो ये अपोजिट, ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेनियस, और आपको कोई भी दो साइड फाइंड आउट करना है। अब ये साइड फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। देखिए दोनों स्पीयर का रेडियस दिया है, दोनों स्पीयर का रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर। देखिए इसका भी रेडियस 25 है और इसका भी रेडियस 25 है। तो अगर रेडियस 25 है तो ये देखिए यहां से लेके यहां तक 25 और यहां से लेके यहां तक 25, मतलब ये हो जाएगा टोटल 50। इट मीन्स हमें हाइपोटेनियस साइड यहां पर मिल जाएगा, हाइपोटेनियस साइड है दैट इज 50। फिर से देखिए यहां से लेके यहां तक जो है वो ये स्पीयर का रेडियस दैट इज 25, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये स्पीयर का रेडियस दैट इज अगेन 25, तो ये 25 और ये भी 25, तो ये हो गया कंप्लीट दैट इज 50, इसलिए हाइपोटेनियस साइड हो गया 50, ठीक है। अब अपोजिट और एडजेसेंट में से कोई भी एक फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। तो यहां पे अगर हमें एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करना है, वैसे एडजेसेंट साइड ही हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपोजिट साइड तो यहां पे फाइंड आउट नहीं होगा, वो इसीलिए क्योंकि वर्टिकली कोई भी डिस्टेंस दिया नहीं है।
लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टली है ये विड्थ, ये देखिए यहां पे 90 सेंटीमीटर दिया है, हम इसका यूज करके इसका एडजेसेंट साइड, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल का बेस है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से लेके यहां तक टोटल 90 है, देखिए यहां से लेके पूरा यहां तक जो है ये पूरा 90 है, हम यहां पे लाइन बना के बताते हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक और यहां से और आगे एक्सटेंड, देखिए ये पूरा जो हमने लाइन बनाया है ये पूरा का पूरा विड्थ जो है वो 90 सेंटीमीटर का है। तो अगर ये 90 है तो 90 के फिलहाल यहां पे 3 पार्ट्स है, कितने, यहां पे 90 के 3 पार्ट्स है। ये देखिए यहां से यहां तक ये फर्स्ट पार्ट, यहां से यहां तक ये सेकंड पार्ट, और यहां से यहां तक ये थर्ड पार्ट। देखिए हम यहां पे पार्ट, ये देखिए ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है। देखिए तीन पार्ट जो है वो यहां पे है, और तीन पार्ट में से कौन से पार्ट का लेंथ आपको चाहिए वो एक बार आप ध्यान से देखो। ये टोटल 90 है, टोटल 90 के 3 पार्ट्स हो गए। ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। और हमें क्या करना है, ये 3 में से हमें ये 3 में से ये सेकंड पार्ट का लेंथ हमें चाहिए। अगर हमें ये सेकंड पार्ट का लेंथ मिल गया तो वही ट्रायंगल का बेस है, तो वही ट्रायंगल का बेस इट मींस एडजेसेंट साइड का यूज करके हम आसानी से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट का लेंथ कैसे मिलेगा, देखिए बहुत आसान है। टोटल जो 90 है हमें क्या करना है, टोटल 90 में से फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को सब्सट्रैक्ट करना है। अगर आप फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको सेकंड पार्ट का लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट का लेंथ क्या है, फर्स्ट पार्ट का लेंथ मतलब ये स्पीयर का रेडियस, ये स्पीयर का रेडियस कितना है 25, तो फर्स्ट पार्ट का लेंथ हो गया 25, ठीक है, फर्स्ट हो गया 25, ठीक है। और अब थर्ड पार्ट का लेंथ क्या है, देखिए थर्ड पार्ट माने ये स्पीयर का रेडियस, देखिए ये स्पीयर का रेडियस कितना है, ये स्पीयर का रेडियस भी 25 है, इसका मतलब थर्ड पार्ट का लेंथ हो गया अगेन 25। तो दोनों फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो 25 है, और अगर टोटल 90 है तो हमें क्या करना है, ये 90 में से फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को सब्सट्रैक्ट करो, तो ये 25 को सब्सट्रैक्ट करो, तो 90 माइनस ये 25 सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये सेकंड पार्ट का लेंथ कितना बचेगा, तो सेकंड पार्ट का लेंथ बचेगा, बहुत ही आसान है, 40। सेकंड पार्ट का लेंथ बचेगा 40, ये 25 50 हो गया। तो 90 में से 50 को हमने सब्सट्रैक्ट किए तो हमें ट्रायंगल का बेस मिल गया 40, इसका मतलब हमें यहां पे एडजेसेंट साइड मिल गया 40। तो फाइनली बहुत ही आसानी से हमने ट्रायंगल के दो साइड यहां पे फाइंड आउट कर लिए, हमें एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज साइड पता चल गया। और अब इसी का यूज करके हम एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा के फॉर्मूले में एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज साइड आता है। तो चलो हम यहां पे कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे कॉस थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ये ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कॉस थीटा का एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे वैल्यूज पुट अप करना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट 40 है, हाइपोटेन्यूज 50 है, ठीक है। और अगर आपको यहां पे थीटा फाइंड आउट करना है तो ये आपको कॉस इनवर्स करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 40 बाय 50, और इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे, तो कैलसी में सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 36.869। तो फाइनली हमें यहां पे एंगल मिल गया, थीटा मिल गया 36.869। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन आरडी है ये कितना डिग्री से इंक्लाइंड है, तो ये 36.869 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो हम यहां पे आसानी से एंगल लिख सकते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल, दैट इज 36.869। और अब हम ये एंगल का यूज करके ये आरडी इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करेंगे। तो चलो अब हम इसको रिजोल्व कर लेते हैं। इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व कैसे करना ये आपको पता होना चाहिए। वैसे इसके पहले हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इक्विलिब्रियम के लिए थे या मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के लिए थे। तो ये देखिए इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करने के बाद कुछ ऐसा रिजोल्यूशन होगा। यहां पे हम लिखेंगे आरडी कॉस ऑफ 36.869, और यहां पे हो जाएगा आरडी साइन ऑफ 36.869। तो फाइनली हमने आरडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, हमने आरडी के दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। इधर में कॉस आ गया, कॉस 36.869, और यहां पे साइन 36.869, क्योंकि हमने बताए थे इंक्लाइंड फोर्स को रिजोल्व करने के लिए जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस, एंगल जो है वो 36.869 ऐसा हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस और वर्टिकल कंपोनेंट साइन। और जो आरडी है वो इनवर्ड है, वो अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए उसके दोनों कंपोनेंट्स भी ऐसे अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो फाइनली ये एफबीडी ऑफ स्पीयर वन, स्पीयर वन का हमने एफबीडी कंप्लीट यहां कर लिए, और अब हम ये एफबीडी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी एंड सी।
मतलब एबीसी पे रिएक्शन फाइंड आउट करना था, तो ए पे आर ए और बी पे आर बी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करेंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करके आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन एट प्रेजेंट यूज करके कोई फायदा नहीं है। अभी फिलहाल हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज क्यों नहीं करेंगे, उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हमें एक्चुअली जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो दो ही कंडीशन का यूज करके सॉल्व करना है। पहली कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो और सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। हमें बस ये दो इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना है। तो अगर आप समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई ये दोनों कंडीशन अगर आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में सभी के सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आएंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में आर ए और आर डी ये दोनों के दोनों अननोन है, ये दोनों का वैल्यू हमें नहीं पता, ये दोनों अननोन है, इट मींस कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। और अगर आप समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अगर आप करेंगे इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, तो यहां पे भी आरबी और आरडी दो अननोन है, तो यहां पे आरबी और आरडी दो अननोन होने की वजह से यहां पे भी कुछ नहीं मिलेगा। इट मींस यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ अननोन्स है तो वो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम एक काम करेंगे, ये स्पीयर का एफबीडी के बाद अब हम स्पीयर टू का एफबीडी बनाएंगे। स्पीयर टू का एफबीडी बना के हम स्पीयर टू के एफबीडी से आरडी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आप आरडी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वो आरडी फिर हम यहां पे पुट करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें आर ए और आरबी का वैल्यू मिलेगा। बिना आरडी के आप आर ए या आरबी का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें आरडी का वैल्यू चाहिए। आरडी माने क्या है, आरडी माने रिएक्शन बिटवीन स्पीयर वन एंड टू। तो आरडी फाइंड आउट करने के लिए हमें स्पीयर टू का एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो स्पीयर टू का एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी ऑफ स्पीयर टू हम यहां लिखेंगे, दैट इज एफबीडी ऑफ स्पीयर टू। तो ये हमने सबसे पहले स्पीयर बना लिए हैं और स्पीयर में सबसे पहले क्या शो करना है, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले हम स्पीयर में स्पीयर का वेट शो करेंगे। स्पीयर का वेट आपको हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना है। तो ये देखिए स्पीयर का वेट, स्पीयर का वेट कितना है 1000 न्यूटन। तो ये हमने स्पीयर का वेट शो करे 1000 न्यूटन सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट शो करने के बाद क्या करना है, वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कॉन्ट्रैक्ट रिएक्शन बोलो, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको यहां पे रिएक्शन शो करना है। तो चलो चेक करेंगे यहां पे स्पीयर का कॉन्टैक्ट कहां कहां पे है। तो देखो स्पीयर टू जो है, स्पीयर टू का कॉन्टैक्ट आपको आपको क्लियर कर दिखाया, देखिए स्पीयर टू का कॉन्टैक्ट यहां पे वॉल के साथ में है, वॉल के साथ में यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। तो ये देखिए हमने वॉल रिएक्शन यहां शो किया है, वॉल रिएक्शन हम इसको कहेंगे, वॉल रिएक्शन को आर सी। तो रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वॉल चाहिए, ये देखिए ये हमने रिएक्शन शो करे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द वॉल। ये देखिए ये रिएक्शन ऐसे परपेंडिकुलर टू द वॉल है, वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो वॉल की तरफ से हमने यहां पे वॉल रिएक्शन शो किए। और क्या और कहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है चेक करो स्पीयर टू का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्पीयर टू का कॉन्टैक्ट स्पीयर वन के साथ है, तो आपको स्पीयर वन का रिएक्शन स्पीयर टू के ऊपर शो करना पड़ेगा। तो ये देखिए स्पीयर वन का रिएक्शन स्पीयर टू के हम के ऊपर हम शो करेंगे। और जैसा कि हमने रूल बताए थे रिएक्शन आपको हमेशा सेंटर टू सेंटर शो करना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर वन टू द सेंटर ऑफ स्पीयर टू। ये हमने रिएक्शन शो किए हैं आरडी और इसका नाम भी आरडी रहेगा। देखिए जितना रिएक्शन स्पीयर टू ने स्पीयर वन के ऊपर किया था उतना ही रिएक्शन स्पीयर वन स्पीयर टू के ऊपर करेगा, क्योंकि ये रूल है कि फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना रिएक्शन करेंगी सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही रिएक्शन करेंगी। इस टाइप के रिएक्शन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन जिसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होता है। जितना रिएक्शन आरडी स्पीयर टू ने वन के ऊपर दिया था उतना ही रिएक्शन आरडी स्पीयर वन ने स्पीयर टू के ऊपर दिया है। ये भी आरडी देगा और ये भी आरडी देगा, ये दोनों आरडी जो है वो इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, इसलिए ये रिएक्शन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कहते हैं। तो चलो और कुछ हमें शो करना है क्या, देखो और इसमें कोई रिएक्शन आएगा क्या, नहीं बस इतना ही आएगा। सबसे पहले हमने वेट शो करना था, हमने सबसे पहले वेट शो करे, वेट के बाद यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहां पे, तो वहां पे रिएक्शन शो करना था तो वो हमने शो किए, और यहां पे डी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमने आरडी शो किए। फिलहाल अब इतना ही आएगा और अब हमें इसको सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने के लिए ये एफबीडी को पहले कंप्लीट करो, ये एफबीडी एट प्रेजेंट इनकम्प्लीट है क्योंकि यहां पे इंक्लाइन फोर्स है और रूल के हिसाब से अगर एफबीडी में अगर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है और उसको सॉल्व करना होता है। देखिए यहां पे इंक्लाइंड फोर्सेस, यहां पे इंक्लाइंड फोर्सेस है तो आप यहां पे रिजॉल्व करेंगे, आरडी इंक्लाइंड है तो आरडी इंक्लाइंड फोर्स को आसानी से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आरडी का एंगल हमें नहीं पता तो आरडी का एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आरडी का एंगल जो है ये देखिए आरडी का एंगल हमें हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अगर एंगल मिल गया तो उसको रिजॉल्व करना आसान है। और ये एंगल हो जाएगा
ये एंगल कितना, तो ये एंगल 36.869 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल हम यहां पे लिख लेते हैं कितना, 36.869 डिग्री का ये एंगल। कैसे, ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल कैसे, देखिए 36.869 कैसे, अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो अगर ये सेंटर से, देखिए अगर ये सेंटर से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमने ड्रॉ कर लिए तो जितना एंगल यहां नीचे में था, ये देखिए जो नीचे में एंगल था उसका एंगल का नाम था थीटा। देखिए ये एंगल का नाम है थीटा, जितना ये एंगल थीटा है उतना ही ये एंगल थीटा हो जाएगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल। ये एक अल्टरनेट एंगल है, देखिए यहां पे जेड है, ठीक है, ये लाइन जो है वो इसको पैरेलल है और उसके लिए बीच में इंक्लाइन है, तो जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो वही एंगल जो है हमने यहां पे 36.869 ले लिए और अब हम ये इंक्लाइन आरडी को जो है वो रिजोल्व करेंगे। आरडी इंक्लाइन फोर्स को रिजोल्व करने के बाद हम यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस वन बाय वन यहां पे यूज करेंगे। आरडी जो फोर्स है वो अंदर की तरफ आ रहा है, अगर वो अंदर आ रहा है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी अंदर आएंगे। तो ये देखिए रिजोल्यूशन हम कर रहे हैं यहां पे, आरडी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आरडी कॉस ऑफ 36.869 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आरडी साइन ऑफ 36.869। तो फाइनली हमने आरडी इंक्लाइंड फोर्स को यहां पे दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिए और अब ये एफबीडी कंप्लीट हो गया और अब हमें ये एफबीडी को सॉल्व करना है। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे हम लेमिस थ्योरम भी यूज कर सकते थे। देखिए ये जो स्पीयर है, ये जो स्पीयर टू का एफबीडी है, इसमें हम लेमिस थ्योरम आसानी से यूज कर सकते थे, क्योंकि लेमिस थ्योरम यूज करने की कंडीशंस हमने आपको इसके पहले बताए थे। अगर कहीं पे भी तीन कॉन्करेंट फोर्सेस है विद द सेम एक्शन तो आप आसानी से वहां लेमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे टोटल तीन कॉन्करेंट फोर्सेस है विद द सेम एक्शन। तीन कॉन्करेंट फोर्सेस कौन से, एक है आरसी, दूसरा है 1000 और तीसरा है आरडी, और तीनों का एक्शन सेम है, इट मींस तीनों का डायरेक्शन सेम है, तीनों का डायरेक्शन इनवर्ड है टुवर्ड्स द पॉइंट, और ऐसे में आप आसानी से लेमिस थ्योरम यूज कर सकते थे। अगर आप लेमिस थ्योरम यूज करना चाहते हैं तो भी आंसर वही आएगा, अगर आप इक्विलिब्रियम से सॉल्व करना चाहते हैं तो भी वही आंसर आएगा। अभी हम फिलहाल इसको इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम से सॉल्व करने के लिए इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना चाहिए था। तो ये देखिए हमने इंक्लाइंड फोर्स को यहां पे रिजॉल्व कर लिए और अब हम इसको इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करके यहां पे सॉल्व करेंगे। लेमिस थ्योरम कैसे अप्लाई करना, लेमिस थ्योरम से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो आपको अगर स्टडी करना है तो इसके पहले हमने लेमिस थ्योरम के भी कुछ प्रॉब्लम स्टडी किए थे, वो आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लेमिस थ्योरम ये प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, इसमें आपको ये सभी प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे। इंक्लाइंड फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना वो अगर आपको नहीं पता तो उसकी भी आप स्टडी करिए। इंक्लाइंड फोर्स को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे से रिजॉल्व करना उसका हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है स्टार्टिंग में, वहां से आपको इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और नंबर ऑफ अदर वीडियोज भी है, वो भी आप देखिए, वहां से आपके दूसरे टॉपिक्स का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम ये प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे और यहां पे हमें ये एफबीडी को पहले सॉल्व करना है, और ये एफबीडी में हमें अब क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहां पे आरडी फाइंड आउट करना है और आरसी फाइंड आउट करना है, और हमने कहा था कि इसको इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके सॉल्व करना है। तो चलो यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस वन बाय वन अप्लाई करो और सॉल्व करो। इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहां पे दो होती है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, दोनों कंडीशंस का यूज करेंगे वन बाय वन, लेकिन पहले कौन सी कंडीशन का यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ये कंडीशन का हम यूज करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अभी हम नहीं करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने क्या, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। अभी हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं, अभी हम पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उसमें दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है वो अननोन है। ये देखिए ये आरसी और ये आरडी, ये दोनों फोर्सेस अननोन है। अननोन फोर्सेस जो है, दो अननोन फोर्सेस एक साथ सॉल्व नहीं होते। अगर इक्वेशन में एक ही अननोन फोर्स है तो आसानी से सॉल्व होता है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर आपने किए तो दो अननोन फोर्सेस आएंगे, सॉल्व नहीं होगा, इसलिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम बाद में करेंगे, पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में जो फोर्सेस आ रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही अननोन है, ये देखिए आरडी, आरडी साइन और 1000, ये दो फोर्सेस में से ये जो आरडी है वो एक ही अननोन है, और एक अननोन एक इक्वेशन में आसानी से सॉल्व होता है, इसलिए यहां पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करो, बाद में समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करो तो आसानी से सॉल्व होगा। तो चलो सबसे पहले हम यहां पे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस,
तो नीचे आने वाले फोर्सेस माइनस। तो ये देखिए आरडी साइन ऊपर जा रहा है तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, तो ये हो गया आरडी साइन ऑफ 36.869, ये ऊपर जा रहा है। देन ये 1000 ये वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आ रहा है तो माइनस इक्वल्स टू जीरो। अब ये 1000 को राइट साइड में शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा आरडी साइन ऑफ 36.869 इक्वल्स टू 1000, और 1000 को अगर आप साइन 36.869 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आरडी का वैल्यू क्या आएगा वो हमें यहां पे देखना है। कैलकुलेटर हम लेंगे, कैलकुलेटर आप डिग्री मोड में रखेंगे और लिखेंगे 1000 डिवाइड बाय साइन ऑफ 36.869, तो ये आंसर आ चुका है 1666.701 न्यूटन। तो फाइनली हमने आरडी का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। हमने क्या किया, 1000 को साइन 36.869 से डिवाइड किए तो ये इतना आंसर आया। और अब हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है, जैसा हमने कहा था कि एफ ऑफ वाई हमें पहले करना था तो हमने कर लिए, और अब हम यहां पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब यहां जितने भी ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका हमें समेशन करना है। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, सिर्फ दो है, एक है आरसी और एक है आरडी कॉस, और उसमें से आरडी जो है वो नोन है क्योंकि उसका वैल्यू हमें पता है, आरसी जो है वो अननोन है और इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो समेशन करने का रूल देखिए, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्सेस माइनस। ठीक है, तो उसमें से देखिए आरडी कॉस ये राइट साइड जा रहा है तो हम इसको प्लस मिलेंगे, तो यहां पे हम पार्टीशन कर लेते हैं और यहां पे हम लिखेंगे आरडी कॉस ऑफ 36.869 ये राइट साइड जा रहा है तो हमने उसको प्लस में ले लिए, आरसी लेफ्ट साइड जा रहा है तो आरसी माइनस में आएगा इक्वल्स टू जीरो। अब आरडी का ये वैल्यू है वो हम यहां रखेंगे तो ये हो गया 1666.701 कॉस ऑफ 36.869 इक्वल्स टू माइनस आरसी, ऐसा लिखो, बाद में उसको हम उधर शिफ्ट करेंगे। तो फाइनली या तो एक काम करेंगे इक्वल्स टू आरसी ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आरसी जो इधर माइनस में है उधर हमने शिफ्ट किए तो प्लस में हो गया। और कैलकुलेटर में हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैलसी हम फिर से डिग्री मोड में रखेंगे, 1666.701 कॉस ऑफ 36.869, तो ये आंसर आ चुका है 1333.376 इक्वल्स टू आरसी। तो देयरफॉर आरसी का वैल्यू हमें मिल गया 1333.376 न्यूटन, तो आरसी हमें मिल गया। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी एंड सी, तो ए बी और सी पे रिएक्शंस फाइंड आउट करना था, तो फाइनली ए बी और सी में से हमें सी का रिएक्शन मिल गया, ए और बी का रिएक्शन अभी भी हमें फाइंड आउट करना है, और उसके लिए अब हमें स्पीयर वन को सॉल्व करना पड़ेगा। स्पीयर टू को तो हमने सॉल्व कर लिए, स्पीयर टू से हमें जो भी फाइंड आउट करना था हमने कर लिए, आरडी भी फाइंड आउट कर लिए, आरसी भी फाइंड आउट कर लिए। आरडी हमें क्यों चाहिए था, क्योंकि आरडी हमें यहां पे पुट करना है और यहां पे हमें आरए आरबी फाइंड आउट करना है, तो चलो अब यही आरडी का यूज करके ये आरए आरबी फाइंड आउट करो स्पीयर वन के एफबीडी में। और यहां पे हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, ये दोनों कंडीशन का हम यहां पे यूज करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम द एफबीडी ऑफ स्पीयर वन, ये स्पीयर वन के एफबीडी से अब हमें सॉल्व करना है, तो चलो स्पीयर वन के एफबीडी से हम सॉल्व करेंगे। और स्पीयर वन ये है, ये स्पीयर वन के एफबीडी से हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई दोनों कंडीशंस यहां पे वन बाय वन अप्लाई करना है। कौन सा कंडीशन पहले अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई, तो आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में आपको आर ए मिलना है और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में आर बी मिलना है, क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई दोनों में यहां पे एक एक अननोन है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की, तो हम यहां लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन का हम यूज करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब यहां जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। तो यहां पे सिर्फ दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक है आर ए और दूसरा है आर डी कॉस, ये दोनों का समेशन करना है। समेशन करने का रूल हमने यहां लिखा है राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो ये देखिए आर ए जो है वो राइट साइड जा रहा है तो आरए को हम यहां प्लस में लेंगे, और यहां आरडी जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है तो आरडी माइनस में आएगा, तो यहां माइनस आरडी कॉस ऑफ 36.869 इक्वल्स टू जीरो। आरडी का वैल्यू हम यहां पे लिख सकते हैं, देखिए आरडी का वैल्यू हमारे पास है, ये हमने फाइंड आउट किए हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे आरए माइनस 1666.701 कॉस ऑफ 36.869 इक्वल्स टू जीरो, और इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना, तो इसका आंसर आएगा आर ए माइनस 1333.376 इक्वल टू जीरो, ऐसा आएगा। इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आर ए का वैल्यू हमें मिल गया
333.376 न्यूटन। तो फाइनली हमने आरए यहां पे फाइंड आउट कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। ए पॉइंट पे आरए, बी पॉइंट पे आरबी, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम यहां पे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हमें आरबी यहां पे मिल जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे सेकंड कंडीशन अप्लाई करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। और समेशन करने का रूल, समेशन करने का रूल हमने यहां लिखा है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन ऊपर जाने वाले प्लस नीचे आने वाले माइनस। तो ये देखिए आरबी वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो आरबी हो जाएगा प्लस में, तो हम लिखेंगे प्लस आरबी। देन ये 1000 नीचे आ रहा है तो माइनस में, तो माइनस 1000। देन यहां पे आरडी साइन नीचे आ रहा है, आरडी साइन 36.69 वो नीचे आ रहा है। आरडी का वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये जो 1666.701 है यही वैल्यू आप डायरेक्टली लिख के यहां पे लिखो, माइनस 1666.701 साइन ऑफ 36.869 इक्वल्स टू जीरो। देखिए इक्वल्स टू जीरो, हम यहां पे हमने क्या किए, हमने आरडी साइन ले लिया, ये वर्टिकली नीचे आ रहा है तो माइनस में, और सीधा हमने उसका वैल्यू पुट अप कर लिए। और अब इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, तो देखिए आरबी माइनस, ये पूरा कैलकुलेटर में हम यहां लिखेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। माइनस 1000 माइनस 1666.701 साइन ऑफ 36.869, तो ये आंसर आ चुका है माइनस 1999.999। तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली 2000 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको राइट साइड में डायरेक्टली शिफ्ट कर देंगे तो आरबी का वैल्यू हो गया सीधा सीधा 2000 न्यूटन। तो आरबी हमें यहां पे मिल गया। तो फाइनली प्रॉब्लम में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी एंड सी, तो ए बी और सी पे रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिए। ये देखिए ए पे रिएक्शन आर ए, इसका वैल्यू है, ये बी पे रिएक्शन आरबी, उसका वैल्यू वो है, और ये सी पे रिएक्शन आरसी। तो ये तीनों रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। तो ये था स्पीयर एंड सिलेंडर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक्स लिए थे वो सभी टॉपिक्स अगर आपने नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।